Business News is brought to you by Winner Institute. नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। घूस लेने पर टीसीएस के 16 कर्मी निलंबित, 6 वेंडर्स पर लगाया प्रतिबंध, 3 को रिसोर्स प्रबंधन से हटाकर भेजा दूसरे विभाग में। आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ का लगाया जुर्माना, कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ का दंड। घूस लेकर कर्मचारियों की भर्ती करने के मामले में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने अपने 16 कर्मचारियों को निकाल दिया है, 3 को रिसोर्स प्रबंधन से हटाकर दूसरे विभाग में भेज दिया है, वहीं 6 वेंडर्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। कंपनी ने कहा कि हम 19 कर्मचारियों की जांच करे थे, इस मामले में 16 के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। 6 वेंडरों के साथ उनके अन्य सहयोगियों और मालिकों को भी प्रतिबंधित किया गया है। इस साल जून में आरोप लगा था कि कंपनी की भर्ती प्रक्रिया में घोटाला हो रहा है, इसके बाद टीसीएस ने इसकी जांच की थी और कहा था कि भर्ती गतिविधियां रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप नियंत्रित नहीं करती है, इसलिए कथित घोटाले का आरोप गलत है। टीसीएस ने बताया कि वह गवर्नेंस को और मजबूत करेगी, इसमें संसाधन प्रबंधन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मियों का नियमित रोटेशन, आपूर्तिकर्ता प्रबंधन की जांच, वेंडरों की ओर से घोषणाओं और अन्य की जांच होती रहेगी। भारत में इस्पात यानी स्टील की मांग में 2023 में 1.8% की समग्र वैश्विक वृद्धि के मुकाबले 8.6% की स्वस्थ वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है। कंपनी ने कहा कि हम 19 कर्मचारियों की जांच करे थे, इस मामले में 16 के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। 6 वेंडरों के साथ उनके अन्य सहयोगियों और मालिकों को भी प्रतिबंधित किया गया है। इस साल जून में आरोप लगा था कि कंपनी की भर्ती प्रक्रिया में घोटाला हो रहा है, इसके बाद टीसीएस ने इसकी जांच की थी और कहा था कि भर्ती गतिविधियां रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप नियंत्रित नहीं करती है, इसलिए कथित घोटाले का आरोप गलत है। टीसीएस ने बताया कि वह गवर्नेंस को और मजबूत करेगी, इसमें संसाधन प्रबंधन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मियों का नियमित रोटेशन, आपूर्तिकर्ता प्रबंधन की जांच, वेंडरों की ओर से घोषणाओं और अन्य की जांच होती रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ रुपए और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने मंगलवार को बयान में कहा कि आईसीआईसीआई बैंक पर उसने यह जुर्माना कर्ज एवं अग्रिम से संबंधित अंकुशों और धोखाधड़ी वर्गीकरण एवं बैंकों की तरफ से जानकारी देने से संबंधित मानकों के उल्लंघन पर लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन एवं आचार संहिता से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। यह कार्रवाई बैंक की तरफ से नामित वसूली एजेंट, ग्राहक सेवा और कर्ज एवं अग्रिम प्रावधानों में खामी से भी संबंधित है। वित्तीय सेवा कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर में इससे पिछले जून तिमाही की तुलना में दोगुना होकर 668.18 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। पिछले तिमाही में उसे 331.92 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध लाभ हुआ था। रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग होकर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी का यह पहला वित्तीय परिणाम है। आज सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही में पड़कर 608.04 करोड़ रुपए रही, जो जून तिमाही में 414.13 करोड़ रुपए थी। एक सरकारी समिति के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि कुछ स्टार्टअप और गैर लिस्टेड कंपनियों में कामकाज के तौर तरीकों और फंडिंग में गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद इन पर सख्ती की तैयारी की जा रही है। गैर लिस्टेड कंपनियों के लिए खुलासा जरूरत समेत एक सख्त नियामकीय ढांचा पहले से है, लेकिन गैर लिस्टेड कंपनियों के मामले में मानदंड अब उतने कड़े नहीं है। एक अधिकारी ने बताया कि कंपनी विधि समिति CLC गैर लिस्टेड कंपनियों, खासतौर पर बड़ी कंपनियों और बड़े स्टार्टअप के लिए ज्यादा कठोर नियम बनाने की संभावना पर चर्चा कर सकती है। अधिकारी ने बताया कि समिति ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि नियामकीय बोझ बहुत अधिक न हो और कारोबार में सुगमता को बढ़ावा मिलता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, NBCN न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर।
घूस लेने पर TCS के 16 कर्मी निलंबित, 6 वेंडर्स पर लगाया प्रतिबंध, 3 को रिसोर्स प्रबंधन से हटाकर भेजा दूसरे विभाग में। RBI ने ICICI बैंक पर 12.19 करोड़ का लगाया जुर्माना, कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ का दंड। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए इन बिजनेस न्यूज। नमस्कार।